Hello everyone, welcome you all in the next lecture of renewable energy sources. This is the second lecture of renewable energy sources. First lecture उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने overview को discuss किया था. आज हम discuss करने वाले हैं solar energy को. अगर आपके competitive exam को देखा जाए तो जो भी question आपको renewable energy से पूछा जाएगा वहाँ पे probability होती है कि 70 से 80% question आपके solar energy से पूछे जाएं. इस एनर्जी की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि ये नियर अबाउट हर जगह पे अवेलेबल होती है. इसका यूज भी अभी बाकी सब रिन्यूएबल एनर्जी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हो रहा है. सबसे ज्यादा रिसर्च भी इसी टॉपिक में हो रही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको इसी टॉपिक से पूछा जाएगा. तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और टॉपिक के लास्ट में कुछ 20-25 क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे. एमसीक्यू क्वेश्चन जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे पहले ही या फिर पूछे जाने की जिनकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. इससे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन को, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप देख रहे होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. तो आज बारी हमारी सोलर एनर्जी की और इसमें विंड एनर्जी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रो से भी पूछा जाता है, बट एज कंपेरिजन टू सोलर इन दोनों से कम पूछा जाता है. और आप तो हाइड्रो को ऑलरेडी पढ़ते आइए और भी फ्लूड मशीनरी में भी आपके इंक्लूडेड होता है तो आपने ऑलरेडी इसकी स्टडी किया होता है. बाकी बायो से, जियो थर्मल से, वेव से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे सोलर और विंड को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी सबको जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मॉन्यू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म. अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मॉन्यू एकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. आपको सर्च करना है @MonuAcademy. आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूँ. आप मनु एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं. आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है @Mandhata07 और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे. आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं. लेट स्टार्ट द लेक्चर. यहाँ पे बेसिकली आपको चार्ट दिख रहा होगा. इन चार्ट में मेंशन किया गया है सेपरेट एनर्जी सेक्टर्स को कि कितने एनर्जी सेक्टर में हमने कितनी इंप्रूवमेंट की है. बेसिकली यहाँ पे जितने भी एनर्जी सेक्टर्स को डिस्कस किया गया है ऑल इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने लिया है. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एज ए जनरल नॉलेज आप एक बार इस ग्राफ को देख लो. आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को इंप्रूव करने का, चूंकि हम फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और फॉसिल फ्यूल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है नहीं, हम फॉरेन से मंगाते हैं. तो हम चाह रहे हैं कि हमारी ये डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए हम ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन सोलर पार्क बनाया गया है इंडिया में. ये अलग अलग सोलर पार्क हैं, इनकी कैपेसिटी आप देख सकते हो कि कितने सोलर पार्क बनाए गए हैं, बेसिकली कौन से स्टेट में उसकी कैपेसिटी क्या है. तो आपको यहाँ पे एज जनरल नॉलेज आप याद रखना, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी कैपेसिटी है सोलर पार्क की इन गुजरात, और सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी भी इसकी है और टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो सोलर पार्क की है वो यहाँ पे मेंशन की गई. तो शायद ये भी आप याद रखना, आपसे एज जनरल नॉलेज हो सकता है पूछा जा सकता है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सोलर एनर्जी, तो ऐसा नहीं कि सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमने अभी स्टार्ट किया है. ये बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन से हमारी एनर्जी का सोर्स रहा है. डायरेक्ट हम इसको यूटिलाइज नहीं करते थे, बट फूड ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते थे. बेसिकली फूड ग्रेन को आप क्या करते थे, ड्राई करते थे और उसको प्रिजर्व करते थे. बहुत जगह इसको एक पावरफुल गॉड भी माना जाता है. तो हिंदू कल्चर में भी इसको एक भगवान की उपाधि दी गई है, मतलब हम इसको गॉड्स मानते हैं क्योंकि यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है. सन एनर्जी जनरेट कैसे करता है, ये भी बेसिक साइंस में आती सारी चीज़ें आप शायद जानते होंगे. न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दो प्रोसेस होते हैं. तो यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस होता है, मतलब कोई दो चीज फ्यूज करके एक चीज बना लेते हैं. तो यहाँ पे कौन से दो चीज फ्यूज होते हैं, बेसिकली होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का फ्यूजन और बनाता है हीलियम. तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना लेते हैं जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है. इसके वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है जिसको हिंदी में हम संलयन कहते हैं, मतलब मिलना कहते हैं. और फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होता है, फ्यूजन रिएक्शन जहाँ पे एक न्यूक्लियाई ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई बनाता है उसे हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन. तो सोलर हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और बेसिकली यहाँ पे जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं वहाँ पे फोटोवोल्टिक इफेक्ट का यूटिलाइजेशन होता है, जिससे हम डायरेक्टली सोलर पैनल का आपने नाम सुना होगा, सोलर पैनल सेल का नाम सुना होगा, जहाँ पे फोटोवोल्टिक इफेक्ट का यूज किया जाता है. बेसिकली फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता क्या है, तो किसी भी मटेरियल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जनरेट करते हैं टू एक्सपोज द लाइट, तो उसे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट. ये करता क्या है, आगे इसकी वर्किंग क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो जाता है फ्रॉम लोअर ग्रैब एनर्जी लेवल टू हाई ग्रैब एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है. फोटोवोल्टिक इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी फॉर द यूजुअल पावर. तो किस तरीके से हम सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसकी डिस्कशन यहाँ पे किया गया है. तो बेसिकली तीन तरीके होते हैं, दीज आर द थ्री प्राइमरी वे जिस तरीके से हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. पहला है फोटोवोल्टिक. तो फोटोवोल्टिक जैसा कि हमने डिस्कस किया, फोटोवोल्टिक क्या करता है, डायरेक्टली जो हमारी लाइट होती है उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में.
तो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां भी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस यूज कर रहे हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर। कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर में क्या होता है कि हम इंटेंसिटी को किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिसके वजह से हमको हाई टेम्परेचर मिल पाता है। बहुत सारे सिस्टम का इसमें यूज किया जाता है। बेसिकली एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे मिरर का, आपने बचपन में किए भी होंगे शायद। हम क्या करते थे, जो हमारे पास लेंस हुआ करता था, लेंस के थ्रू हम पेपर को जलाते थे सोलर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे यूज किया जाता है और इस तरीके से हम एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके जो हमारा कन्वेंशनल स्ट्रीम पावर है उसको वहाँ पे इसकी एनर्जी को सप्लाई करते हैं और कन्वेंशनल स्ट्रीम पावर को इससे हम रन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तरीका होता है दैट इज सोलर हीटिंग कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उसको डिपेंड करता है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम इसको यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो स्पेस हीटिंग या कूलिंग का हो या फिर वाटर हीटिंग कूलिंग का हो। इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर पाते हैं थ्रू द कलेक्शन। तो कलेक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे कलेक्टर्स के नाम लिखे गए हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवेक्यूएटेड ट्यूब, इंटीग्रल कलेक्टर। ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी इंटेंसिटी है, हीट एनर्जी है सोलर की, उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू जो भी हमारा वर्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत पहले का डायग्राम बनाया गया है। ये एक पैराबोलिक कलेक्टर था जो जिससे प्रिंटिंग प्रेस चलाया गया था। देख रहे हो आप कौन से ईयर में चलाया गया था, इन 1878 पेरिस में बेसिकली इसको बनाया गया था। इसका डायग्राम तो आप, ये सारी चीज़ें तो आजकल आप हर जगह देख रहे हो, बहुत कॉमन है। ये सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, ये सोलर पैनल एरेज है जो बेसिकली डायरेक्टली सनलाइट को क्या कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो भी शायद आपने कहीं देखा होगा, इसे हम कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर। बहुत सारे टाइप्स के कलेक्टर होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे फ्लैट प्लेट ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बहुत कॉमन होता है, डिजाइन बहुत सिंपल होता है, इसलिए हर जगह इसका यूज करते हैं। बेसिकली इसका जो इसके इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें एक मेटल बॉक्स होता है। ये पूरे जो बॉक्स होता है इसको हम मेटल बॉक्स कहते हैं। ऊपर एक ग्लास कवर लगा होता है, गैलनाइज ग्लास कवर लगा होता है। ये ग्लास कवर का काम क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है ये। बट एक बार एनर्जी इसके अंदर चली चली गई तो हम ये ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो रेडिएटिव लॉस है या फिर जो कन्वेक्टिव लॉस है उसको मिनिमाइज कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे एनर्जी आई, बाद में वो एमिट होकर बाहर चली जाए या फिर कन्वेक्ट हो जाए। तो उस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, उस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे ग्लास कवर का यूज करते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख रहे होगे ये वाली जो लाइन दिख रही है, जो कटिंग वाली है, ये एक ऑब्जर्वर प्लेट है। तो ये एक ऑब्जर्वर प्लेट लगी होती है। ऑब्जर्वर प्लेट करती क्या है, बेसिकली ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्वर प्लेट के नीचे इंसुलेशन लगा होता है जो यहाँ पे मार्क किया गया है। तो ऑब्जर्वर प्लेट के नीचे इंसुलेशन किस लिए लगाया गया होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर प्लेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो नीचे से हीट लॉस ना हो इस वजह से हम यहाँ पे इंसुलेशन लगाते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि ऊपर इंसुलेशन क्यों नहीं लगा देते। देखो ऊपर आप इंसुलेशन लगा देगा तो हीट एनर्जी किधर से आएगी, इसलिए ऊपर हम ग्लास या प्लास्टिक कवर का यूज करते हैं। बेसिकली ग्लास कवर का हम यूज करते हैं, ग्लैनाइज ग्लास कवर का, जिसकी वजह से हम लॉसेस को भी मिनिमाइज कर पाते हैं और इजिली हीट भी ट्रांसमिट हो जाती है। और जो हमारी ऑब्जर्वर प्लेट है, जो ये ऊपर ऑब्जर्वर प्लेट आपको दिख रही होगी इस पाइप के अंदर, मतलब ये तो पाइप है जिसमें फ्लूड फ्लो करता है बेसिकली। तो ऑब्जर्वर प्लेट को क्या करते हैं हम, पेंट कर देते हैं बेसिकली उसकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो हम इसमें ब्लैक क्रोम पेंट कर देते हैं ताकि इसकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बढ़ जाए। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे पाइप्स लगी हुई हैं, पाइप से हम कोई भी फ्लूड फ्लो कराओगे तो क्या होगा, वो गर्म होकर निकलेगा क्योंकि हीट ट्रांसफर यहाँ पे होगा थ्रू द कंडक्शन। ठीक है, थ्रू कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है जिसके वजह से जो भी फ्लूड इस पाइप में फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो सिंपल आप वाटर कूलिंग, एयर कूलिंग इस तरीके से यूज करते हो। चूंकि अगर एयर कूलिंग करते हो तो सिंपली एयर इधर से ब्लो कर दो, इस पाइप की जरूरत नहीं है। वाटर कूलिंग करोगे तो पाइप की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे तरीके होते हैं जहाँ पे भी आपको इसका यूज करना होता है कर सकते हो। तो बेसिकली एयर कूलिंग या फिर हीटिंग में या फिर वाटर कूलिंग हीटिंग में हम किसका यूज करते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज करते हैं। बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे भी डायग्राम है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, आप देख सकते हो ये आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, इसको तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें फ्लूड फ्लो करता है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। तो आपको घबराना नहीं, ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है और नीचे थर्मल इंसुलेशन है और ये आपकी ऑब्जर्वर प्लेट है। तो सिमिलर है जैसे कि ये है, तो यही तरीका है। इस तरीके से इनलेट हुआ, आउटलेट हुआ, यहाँ पे कोई चीज़ जाएगा, ठंडा चीज़ जाएगा तो इधर से गर्म होकर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके एफिशिएंसी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ाओगे तो जो एफिशियंसी होगी कलेक्टर की वो घटेगी या बढ़ेगी। देखिए टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो एफिशियंसी क्या होती है, इसकी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जितना एनर्जी यूटिलाइज करना चाहिए उतना एनर्जी हमारा कलेक्टर यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके वजह से
हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है, कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है, कितनी एनर्जी ये हमारा कलेक्टर यूटिलाइज कर रहा है और टोटल कितना सोलर एनर्जी अवेलेबल है, मतलब टोटल एनर्जी जो यूटिलाइज हुई और टोटल सोलर एनर्जी जो वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखो जब अवेलेबल एनर्जी आप बढ़ा दोगे तो ऐसा नहीं कि इसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि यूटिलाइजेशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप डायरेक्टली इनपुट बढ़ा रहे हो, आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा, तो एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी घटना चालू हो जाती है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जब हम मेटल को, सेमीकंडक्टर को एक्सपोज कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से वहां पे वोल्टेज या करंट जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो इसी फोटोवोल्टिक इफेक्ट का यूज करके हम फोटोवोल्टिक सेल बनाते हैं, जिसका बेसिकली पैनल में हम यूज करते हैं। पैनल में बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल या यू कैन से सोलर सेल लगे होते हैं, और पैनल को हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके आगे हम डिस्कस करेंगे। हम क्या बनाते हैं, सोलर एरे बनाते हैं, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूज अमाउंट में। तो सोलर पैनल करता क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बैटरी में स्टोर भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। यहाँ पे इसका डायग्राम है, तो डायग्राम में बेसिकली हम सेमी कंडक्टर यूज करते हैं। आपने सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा, इसमें हम पी और एन जंक्शंस बनाते हैं, डॉपिंग कर लेते हैं सेमी कंडक्टर को, और पी एन जंक्शन बना देते हैं। जब इस पे सनलाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जंप करेगा। तो कम से कम जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, उतना एनर्जी होगी तभी सोलर पैनल आपका काम करेगा, अदरवाइज वो काम करेगा नहीं। तो हम ऐसा डिजाइन कर लिए कि वो मिनिमम टेम्परेचर पे भी काम करे अभी तक। और जो एनर्जी बैंड गैप होता है उसको फुलफिल अगर जो लाइट नहीं करेगी, उसको क्या करेगा, सोलर पैनल एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंपली एब्जॉर्ब कर लेगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं, तो डायरेक्टली वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो एक तरह का लॉस होता है, तो इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जो सोलर पैनल आपके अभी अवेलेबल हैं उनकी जो कमर्शियल एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, 15% से 20% के आसपास होती है। और जो अवेलेबल एफिशिएंसी है हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किए हैं, कुछ 30 से 40% तक हमने इम्प्रूव किया हुआ है। बट अभी जो कमर्शियली अवेलेबल है, ये तो रिसर्च लेवल की बात हम कर रहे हैं, अभी जो कमर्शियली अवेलेबल है अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप 15 से 20% के बीच में जो रेशियो, जो परसेंटेज होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे, इससे ज्यादा। तो आप देख रहे हो कि एफिशिएंसी काफी कम है, बट एफिशिएंसी से बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो अवेलेबल एनर्जी है इसके लिए आपको कुछ पे करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आप कोयला तो जला नहीं रहे हो जिसको आपको पैसा देना पड़ेगा, ये तो फ्री एनर्जी अवेलेबल है। तो उसका जितना परसेंट आप कन्वर्ट कर लो आपके लिए फायदा ही, बट इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन गया है और इसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना सबसे बड़ी टास्क बन गई है। तो सिंपल प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस के बहुत डीप में जाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हैं, बट आपको वो सारा चीज़ याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद करना है कि ये जो पैनल्स होते हैं ये बने होते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल का। बेसिकली जो आजकल यूज हो रहा है वो सिलिकन यूज होता है, इसके अलावा भी मटेरियल्स यूज होते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा, बट बेसिकली जो यूज होता है वो सिलिकन यूज होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिलिकन जरूर वहाँ पे दिया रहेगा, क्योंकि वही यूज होता है आजकल। और सिंपल जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये एनर्जी स्ट्राइक करती है, जब ये एनर्जी सेमी कंडक्टर पर स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मूव करना शुरू करता है, जिसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जैसा कि हम वर्किंग को डिस्कस कर रहे थे, सिमिलर वर्किंग है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि पीएन जंक्शन कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं हम एक पी टाइप लेते हैं, एक एन टाइप लेते हैं, और जब हम इसको लाइट प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी साइड मूव करने लगता है, और जो हमारा प्रोटॉन होता है या जिसे हम होल कहते हैं वो एन साइड मूव करने लगता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी, जब पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर एनर्जी की जब हमारे मटेरियल पे पड़ती है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली वो कंडक्शन बॉन्ड में मूव कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चालू हो जाती है, सिमिलर प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी एफिशिएंसी किस किस पे चीज़ पे डिपेंड करती है। तो मेन फैक्टर इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1/4% जो अवेलेबल एनर्जी होती है उसको तो हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो सिंपल एफिशिएंसी तो यहीं पे डिक्रीज हो गई। इसके बाद जिसकी हम बात कर रहे थे बैंड गैप एनर्जी,
कि हमारे इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए उसको एक बैंड गैप से दूसरे बैंड गैप में मूव करने के लिए, या फिर हमारे पास जो कंडक्टर बैंड गैप है उसमें जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी आती है तो वेल एंड गुड। देखो हो सकता है, मान लीजिए हम कह देते हैं 1.2, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है 1.12 चाहिए आपके सिलिकॉन के लिए जो बेसिकली यूज करते हैं, तो 1.12 चाहिए। तो अगर 1.12 से कम आती है, सपोज 1.8 आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बॉन्ड है उसमें जाएगा नहीं, तो ये एनर्जी तो वेस्ट चली जाएगी, इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। और सपोज करिए मान लीजिए हमने इससे ज्यादा दे दिया, हमने 2.12 दे दिया, तो 1.12 के बाद जो बाकी एनर्जी बचेगी उसका हीट में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों की वजह से हमारे जो सोलर सेल की एफिशियंसी होती है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और बेसिकली तो ये डिफिकल्ट होता है हमारे जो पैनल्स बनते हैं सोलर पैनल, उसके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है मोस्टली, उसमें मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस लाइन मटेरियल जो होते हैं उसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होती है, बट वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली इफेक्ट करती हैं हमारे सोलर सेल के एफिशियंसी को। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो कॉमर्शली सोलर सेल अवेलेबल हैं उनकी जो एफिशियंसी होती है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 15 to 20%, 14 to 19% यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपको याद रखना है, यहां तक आपने इंप्रूव कर लिया है बहुत सारे रिसर्च में, बट अभी ये कॉमर्शियली अवेलेबल है नहीं। तो जब कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है तो इसका भी जनरल आदमी के लिए कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि जो सोलर सेल है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए प्रोसेस नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं इसकी एनर्जी को इम्प्रूव किया जा सकता है। किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, जो प्योरिटी है सेमीकंडक्टर की उसको बढ़ा के किया जा सकता है, जो लेयर्स हैं एनपी जंक्शंस जो आपने बनाया है उसकी लेयर्स आप ऐड कर दो। बट डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो उसके प्राइस भी बढ़ेंगे, अभी उसके काफ़ी प्राइस है, जब ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें ऐड की जाएगी तो और उसके प्राइस बढ़ेंगे। ये मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है, इनको यूज किया जा सकता है। और जो सोलर लाइट है उसको कॉन्सेंट्रेटिंग कर दो, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी वहाँ पे आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स मिरर्स लगाने पड़ेंगे, तो उसका सेपरेट कॉस्ट होगा, हमारा सिस्टम भी बल्कि होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो भी गए हैं कि कैसे सोलर एनर्जी की एफिशियंसी को हम इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज टाइप ऑफ पीवी सेल, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो अभी यूज हो रहा है कॉमर्सली जहाँ पे भी आप देख रहे हो वो सिलिकन का बना होता है, तो आप याद रखना सिलिकन का। ये सारे मटेरियल भी यूज किए जा रहे हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि हमने पहले कहा जो एनपी जंक्शन है उसमें लेयर्स बढ़ा दें डिफरेंट मटेरियल की। तो गैलियम आर्सेनाइड भी यूज किया जाता है, कैडियम भी यूज किया जाता है, कॉपर इंडियम भी यूज किया जाता है, ये सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो अगर आप इनका नाम याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। अब अगर हम सोलर सेल को क्लासिफाई करें उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, तो बेसिकली जितने सोलर सेल होते हैं वो बने होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, भी मैं बताता हूँ आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी ये दो टाइप्स के बने होते हैं, मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन। तो ये आप ध्यान रखना कि जो स्ट्रक्चर्स होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप के होते हैं, मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन। अब समझते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और जो भी सोलर सेल होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ही क्यों बनाते हैं। देखिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर नेचुरल है तो आपको इजीली मिल जाएगा, अगर नेचुरल नहीं है उसको बनाना काफ़ी टफ जॉब होती है। आप कभी पढ़ना अगर आपके पास टाइम हो तो, यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकते, ये रिसर्च लेवल की चीज़ें हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का आपने आपने एक एग्जांपल सुना होगा हीट ट्रांसफर में, आपने डायमंड का नाम सुना होगा कि डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, बट आप जब पहली बार ये जानने होगा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं फिर भी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो क्यों होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये एक तरह का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उनका बहुत अच्छा ओरिएंटेशन होता है, उनकी पैकेजिंग बहुत क्लोज होती है ताकि वो हीट को बहुत ईजिली ट्रांसफर कर पाता है। तो यहाँ पर भी जो मटेरियल हम यूज करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना पाएँ ताकि उसकी कंडक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर पाएँ, और हम ये इम्प्रूव कर पाएँ कि हमारा जो सेल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ पाए। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, ये मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। अब किस हद तक हम उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अचीव कर पाते हैं ये अभी डिबेटेबल चीज़ है, बहुत सारे इसमें क्वालिटी मेंटेन करना होता है, और चूंकि बस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाना होता है इसीलिए आप बस ये समझ लो कि इंडिया में सोलर पैनल अभी जाके मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले अभी भी जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है, क्योंकि बाकी सब कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उनको क्रिस्टलाइन हम बना पाएं। तो मोनोक्रिस्टलाइन क्या होता है, जैसा इसका नाम है मोनोक्रिस्टलाइन पीवी सेल आर कंप्राइज ऑफ यूनिफॉर्म और सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है। उसी तरीके से पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है, सिंगल से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन।
अब अगर हम सोलर सेल को पी और एन जंक्शन में डिवाइड करें तो ये मल्टी लेयर हो सकता है, सिंगल लेयर हो सकता है, बट अभी जो कमर्शियली अवेलेबल है वहाँ पे हम सिंगल लेयर ही यूज करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं अगर मल्टी लेयर बनाएं तो, बट मल्टी लेयर बनाने के अपने अलग डिफिकल्टीज हैं, एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है, डिजाइन डिफिकल्टीज हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, बस आप क्लासिफिकेशन याद रखो कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, आप पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये मोनोक्रिस्टलाइन है, ये मोनोक्रिस्टलाइन है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, इन दोनों का यूज करते हैं हम सोलर सेल को बनाने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सोलर थर्मल पावर सिस्टम यूज एज अ कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी। तो जो भी एनर्जी आ रही है सोलर से वो हीट के फॉर्म में आती है हमारे पास, तो हम वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं लगाते हैं कन्वर्जन के लिए कि हीट को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाए, वहाँ पे डायरेक्टली हम थर्मल फॉर्म में ही उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन तरीके के यूटिलाइजेशन होते हैं, लो टेम्परेचर अगर है तो उसका यूज होता है हीटिंग और कूलिंग में, स्पेस हीटिंग कूलिंग में, मिड टेम्परेचर वाले का यूज हम करते हैं वाटर हीटिंग में, और हाई टेम्परेचर जहाँ पे हमको हीट मिलती है ज़्यादा टेम्परेचर पे वहाँ उसको हम यूटिलाइज करते हैं पावर जनरेशन में। यहाँ पे लो टेम्परेचर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बेसिकली बिल्डिंग के हीटिंग कूलिंग में, जहाँ पे आपको यूज करना है वहाँ पे आप लो टेम्परेचर का यूज कर सकते हो, मिड टेम्परेचर का यूज आप वाटर को हीटिंग में कर सकते हो। सिंपली हम क्या करते हैं कलेक्टर से एनर्जी को वहाँ पे, पहले मैंने आपको जैसे डायग्राम दिखाया था कलेक्टर के थ्रू हम एनर्जी को वहाँ पे कैप्चर करते हैं, उसके बाद वहाँ से पाइप के थ्रू वाटर फ्लो कराते हैं, वहाँ पे हीट कंडक्शन होता है जिसके वजह से हमारा पानी गर्म होता है। तो सिंपल यूटिलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग एनर्जी का यूज करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सेम प्रोसेस होता है जैसे आपका ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है, जैसे वहाँ पे आप बॉयलर से हीट देते हो, अब बॉयलर में आप कोयला जला लो या फिर आप ऑयल जला लो, गैस जला लो, जो भी प्रोसेस हो, जो भी एनर्जी आपके पास अवेलेबल है, जिस अमाउंट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे यूज करते हो टू जनरेट द स्टीम। अब यहाँ पे जो स्टीम आप जनरेट कर रहे हो वहाँ पे आप सोलर एनर्जी का यूज करते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोलर एनर्जी का यूज करते हो जिससे स्टीम जनरेट होती है। स्टीम जनरेट करके आप क्या करते हो उसकी टरबाइन रन करते हो, मैकेनिकल टरबाइन, और मैकेनिकल टरबाइन जनरेटर को रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वेरी सिंपल प्रोसेस, हम जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हमने चेंज कर दिया। इससे पहले ट्रेडिशनल में हम कोल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, सोलर एनर्जी का यूज कर लिया टू जनरेट द स्टीम। और हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम क्या करती है, स्ट्राइक करेगी टर्बाइन को, टर्बाइन रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको कलेक्टर चाहिए होता है, कलेक्टर में क्या करते हो आप एनर्जी को कलेक्ट कर पाते हो, जैसे कि हम फ्लैट प्लेट कनेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है वो मिड रेंज तक हम यूज कर पाते हैं बेसिकली वाटर हीटर तक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी उसकी होती नहीं है। तो यहाँ पे अलग टाइप के कलेक्टर, आप कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर हम यूज करते हैं, और कलेक्टर्स का हम एरे यूज कर लेते हैं, मतलब पूरा कलेक्टर को हम ऐड कर देते हैं, ढेर सारे कलेक्टर हम यूज करते हैं ताकि ढेर सारी एनर्जी कलेक्ट कर पाएं और ह्यूज अमाउंट में हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर पाएं, फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट कर पाएं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएं, फिर उसको हम स्टोर भी कर लेते हैं। ये सारे प्रोसेस है ताकि जब कभी नाइट प्रॉब्लम हो या वेदर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूसली जनरेट कर पाएं। यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पॉइंट आपका सोलर हीटिंग और कूलिंग, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। जैसे मैंने आपको कहा बेसिकली जहाँ पे भी आप देखोगे इस टाइप के सोलर हीटिंग कूलिंग वाटर स्पेस, इन सब जगह पे आपका सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज किया जाता है। फायर प्लेट कलेक्टर के बारे में जितना डिस्कस करना था ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जितना आपको जानना चाहिए, आगे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आज के टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, चलिए वन बाई वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। इन सोलर कलेक्टर द फंक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट कवर इस टू, ट्रांसपेरेंट कवर जो ऊपर लगाया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है, आपके ईएस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टर फ्रॉम द डस्ट, बिल्कुल ये प्रोटेक्ट करता है बट ये इसका मेजर फंक्शन नहीं है, इसके मेजर फंक्शन में नहीं आता है, हम इसलिए उसको नहीं लगाया कि वो डस्ट को कलेक्ट करे, ये इसका सेकेंडरी तरह आप ऑटोमेटिकली हो गया, सेकेंडरी फंक्शन आप कह सकते हो, बट मेन फंक्शन इसका ये नहीं होता है। ट्रांसमिट सोलर रेडिएशन ओनली, सोलर रेडिएशन को वो ट्रांसमिट करता है बट यहाँ पे लिखा है ओनली, तो केवल सोलर रेडिएशन को वो ट्रांसमिट नहीं करता है, ये भी उसका मेजर फंक्शन नहीं है। अगर हम ना लगाते इसको तो भी सोलर एनर्जी जाती है, ऐसा नहीं कि सोलर एनर्जी रुक जाती है। उसका मेजर फंक्शन होता है रिड्यूस द हीट लॉसेस फ्रॉम द कलेक्टर,
कलेक्टर से जो कन्वेक्टिव और रेडिएटिव हीट लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने उसको बेसिकली लगाया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, बहुत सारे लोगों ने ऑल ऑफ दीज चूज किया होगा, बट ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2017 ईएस एग्जाम में पूछा गया है, विच फ्यूल सेल इज सुटेबल फॉर द एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। एल्कलाइन फ्यूल सेल यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन के लिए। पहले आप ये समझ लो कि फ्यूल सेल क्या होता है। तो फ्यूल सेल इज नथिंग बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, उसे बेसिकली हम फ्यूल सेल कहते हैं। अब जो डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल होते हैं, इनका भी यूज टैक्टिकल वेपन्स में किया जाता है, मिलिट्री यूज, मिलिट्रिकल व्हीकल, इन सब में इसका यूज किया जाता है। जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है, इसका भी यूज बेसिकली अब स्पेस में एयरक्राफ्ट में किया जा रहा है। इसको हम पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन सेल भी कहते हैं और इसका यूज बेसिकली हम स्टेशनरी या मूविंग व्हीकल के लिए करते हैं, बट अब इसका यूज एयरक्राफ्ट में भी किया जा रहा है। बट बेसिकली या ट्रेडिशनल जो फ्यूल सेल यूज होता है वो होता है एल्कलीन फ्यूल सेल। फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, इसमें बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड यूज की जाती है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो स्टेशनरी व्हीकल्स होती हैं बेसिकली इनका उनमें यूज किया जाता है, जहाँ पे 100 किलोवाट, 200, 300, 400 किलोवाट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे बेसिकली हम इस फ्यूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर द ऑब्जर्वर प्लेट इज पेंटेड विथ सेलेक्टिव पेंट, द सेलेक्टिव इज द रेशियो। आप किसकी ये रेशियो होता है और सेलेक्टिव पेंट से हम क्यों करते हैं, ताकि देखिए उसका जो टेम्परेचर, ऑपरेशनल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब कौन से टेम्परेचर रेंज में वो ऑपरेट करती है, वो भी उससे इम्प्रूव हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उससे उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है, ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पाती है। और ये बेसिकली रेशियो होता है सोलर रेडिएशन ऑब्जॉर्ब टू थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड, इसका ये रेशियो होता है, कितना सोलर रेडिएशन ऑब्जॉर्ब किया गया और कितना थर्मल रेडिएशन हमारी बॉडी ने एमिट किया, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रेशियो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ मॉड्यूल इन द सोलर पैनल रिफर टू, बेसिकली जो सोलर पैनल होता है उसी को हम कहते हैं मॉड्यूल सोलर पैनल का। सोलर पैनल आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से दिखता है सोलर पैनल, तो ये क्या होता है, कह रहा है ये मॉड्यूल ऑफ सोलर पैनल रिफर टू क्या होता है, सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट होता है सोलर सेल्स का। कैसे, देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो है एक सीरीज कनेक्शन है कि एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से ऐड किया गया है, एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से, एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से। जब सारे पैनल के सारे पॉजिटिव एक साथ ऐड किया दिए जाए, सारे नेगेटिव एक साथ ऐड किया जाए, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में जब आपको करंट ज़्यादा चाहिए होती है तो आप पैरेलल कनेक्शन करते हो, जब आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है तो आप सीरीज कनेक्शन करते हो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये दोनों फॉलो नहीं किए जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कनेक्शन फॉलो किया जाता है जिसे हम कहते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक तरह का सीरीज कनेक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉर्डर लाइन पे, और इधर आपको पैरेलल कनेक्शन दिख रहा होगा इन टू इन। तो बेसिकली जो भी सोलर पैनल का कनेक्शन होता है वो कनेक्शन होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया जो कमर्शियल एफिशिएंसी अवेलेबल है वो 15-20% है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी, अब जो भी सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं वहां पे हम सोलर सेल का यूज करते हैं, सोलर सेल बेसिकली यूज करते हैं। ट्रेडिशनली हम फ्यूल सेल करते थे, बट अब हम मूव कर लिए हैं सोलर सेल के टेक्नोलॉजी पे। एडिशन सेल क्या होता है, बेसिकली थॉमसन एडिशन ने एक बैटरी जनरेट किया था जिस बैटरी को आप जानते हो निकल आयरन बैटरी, तो बेसिकली उन्हीं के नाम पे उसका पड़ गया एडिशन सेल, उसी बैटरी को हम कहते हैं, या उसका नाम भी है निकल आयरन बैटरी। तो बेसिकली इसका यूज जनरल पर्पज या डोमेस्टिक यूज के लिए हम किए जाते हैं। क्रायोजेनिक स्टोरेज क्या होता है, बेसिकली जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे हम जो किसी चीज को स्टोर करते हैं, इस ऑप्शन का यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए दे दिया गया है कि जो एयरक्राफ्ट, जो शटल, जो सैटेलाइट ऊपर जाते हैं वो बेसिकली आगे बहुत कम टेम्परेचर अचीव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर, जैसे -100-150 डिग्री से क्रायोजेनिक टेम्परेचर स्टार्ट होता है टू -270 डिग्री, तो वो टेम्परेचर से बेसिकली रिलेटेड है। जब कभी भी आप लिक्विड नाइट्रोजन या हीलियम का स्टोरेज करते हो तो वो बेसिकली कहलाता है क्रायोजेनिक स्टोरेज। तो यहाँ पे फ्यूल सेल से कुछ लेना देना है नहीं इसका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मिनिमम आउटपुट ऑफ द सोलर एरे, तो सोलर एरे का मिनिमम आउटपुट क्या होता है, दैट इज अराउंड टू 250 के आसपास होता है। बेसिकली जो सोलर एरे हम बनाते हैं उसमें कई रेंज में बनाते हैं। बेसिकली जब आपसे पूछा जाता है, जब सोलर इंस्टॉलर आता है तो आपसे पूछता है कि कितने आउटपुट का हम लगाएं यहाँ पे, बेसिकली ऐसा नहीं कि आप जितने आउटपुट का सोलर पैनल लगा दिए वो आउटपुट आपको मिलेगा ही,
वो डिपेंड करता है कि उसका एक्सपोजर कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, वहाँ पे जो रेडिएशन फॉलिंग है, इंटेंसिटी, उसको क्या, ये सारी चीज़ें। बट जो मिनिमम होता है वो 250 के आसपास होता है, जो इसकी मीडियम रेंज होती है, जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 370 के आसपास होती है, एवरेज रेंज 306 के आसपास होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो 6 होगा। द करंट डेंसिटी ऑफ द फोटोवोल्टिक सेल रेंज फ्रॉम, करंट डेंसिटी क्या होती है बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल की, दैट इज इक्वल टू 40 to 50 मिली एम्पियर, जितना करंट फ्लो कर रही है डिवाइडेड बाय जो आपका सेल है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये अराउंड टू अराउंड आती है आपकी, जो कॉमर्सली अभी यूज किए जा रहे हैं उसकी आती है 40 to 50 के रेंज में। तो ये आपको डाटा जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं डायरेक्टली आपको ये डाटा याद रखना है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड फोटोवोल्टिक मीन, फोटोवोल्टिक वर्ड की मीनिंग क्या है। तो फोटो मतलब क्या होता है बेसिकली, लाइट होती है, और वोल्टिक मतलब होता है वोल्टेज, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सी, मतलब लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली बनाया गया है लाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फोटोवोल्टिक सेल यूज टूडे, कौन सा ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल यूज किया जाता है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, एक उसका कंस्ट्रक्शन है, और जो वहां पर मटेरियल यूज किया जाता है वो सिलिकॉन यूज किया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डू कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी, थर्मल एनर्जी का, डायरेक्टली हीट एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज होती है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम यूटिलाइज कर पाते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हीट करती हैं फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं थर्मल एनर्जी में, मतलब हीट एनर्जी में, तो हम उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्नोलॉजी यूज इन द कंसंट्रेटिंग सोलर पावर, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी कंसंट्रेटिंग सोलर पावर में यूज नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने थ्योरी में बताया नहीं है। पावर टावर, ऑलरेडी पावर टावर जो होते हैं बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर यूज करते हैं, लीनियर ये भी यूज करते हैं सोलर कलेक्टर, पैराबोलिक ये भी यूज करते हैं सोलर कलेक्टर। यहाँ पे जो है सबसे अलग ऑप्शन दे दिया गया है कैथोड रे ट्यूब, ये बेसिकली इमेज दिखाने के लिए, इमेज डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है ना, कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो बेसिकली इमेज को डिस्प्ले करती है। तो ये ऑप्शन तो कहीं से भी यहाँ पे मैच करता नहीं है, तो ये ऑप्शन सही भी है। इन सारे का यूज हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द कम्प्लीमेंट ऑफ जेनेथ एंगल इज, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ए होगा, जो जेनेथ एंगल है उसको आप मेजर करते हो वर्टिकल प्लेन से। सपोज करिए ये आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, इधर से सोलर रेडिएशन आ रही है, ये सन है आपका, सोलर रेडिएशन आ रही है, तो ये जो रेडिएशन है इंसिडेंस रेडिएशन का एंगल आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो। यहाँ से मेजर कर सकते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब आप इसे मेजर करते हो तो इसे आप एलिवेशन कहते हो, जब इसी को आप वर्टिकल प्लेन से मेजर करते हो तो इसे आप जेनेथ एंगल कहते हो। तो बेसिकली ये होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सोलर रेडिएशन फ्लक्स इज यूजली मेजर विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से मेजर किया जाता है फ्लक्स, ये होता है पिरोनियोमीटर, ठीक है। अमीटर क्या, एमिनोमीटर क्या यूज करते हैं मेजर करने के लिए, एयर फ्लो मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सनशाइन रिकॉर्डर बेसिकली क्या करता है, सनशाइन को रिकॉर्ड करता है, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, वेदर कंडीशन, ये सारी बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन एट द अर्थ सर्फेस अकर ड्यू टू, क्यों, मतलब एब्जॉर्ब क्यों कर ली जाती है सोलर रेडिएशन अर्थ पे, तो ओजोन की वजह से, बिल्कुल सही। वाटर वेपर भी ऑब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अच्छी ऑब्जॉर्बर है, ये भी ऑब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द सोलर कॉन्स्टेंट इज, इसे आप रेडिएशन फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हो, या इसकी जो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट है डेफिनेटली, तो 1367 होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, कितना आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है पर यूनिट मीटर में, उसे हम कहते हैं सोलर कॉन्स्टेंट। तो ये आप याद रखना, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना आप कितना होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कलेक्टर इज यूज फॉर द लो टेम्परेचर सिस्टम, लो टेम्परेचर सिस्टम के लिए कौन यूज करते हैं, जैसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर, हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो बेसिकली फ्लैट प्लेट कलेक्टर जनरली यूज होता है लो टेम्परेचर के लिए, वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, इन सब चीज़ों के लिए आप यूज करते हैं, मतलब बेसिकली एयर हीटिंग के लिए, स्पेस हीटिंग इन द सेंस मतलब एयर हीटिंग के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमम एफिशियंसी इज ऑब्टेंड इन, किसमें आपको मैक्सिमम एफिशियंसी मिलती है, ये आप याद रखना, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, इसका डिस्कशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे जो कलेक्टर है दैट इज डी, पैराबोलाइड डिस्क कलेक्टर, इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस टाइप कलेक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया है डिवाइडेड बाय द अवेलेबल एनर्जी होती है कलेक्टर एफिशिएंसी। और आप अवेलेबल एनर्जी बढ़ा दे रहे हो बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगा। डेफिनेटली जो अवेलेबल एनर्जी है उसके बढ़ाने से उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिपेंड करती है मटेरियल पर, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आपने कोटिंग किसके किया है उस पर डिपेंड करती है। और चूंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ेगा तो वहाँ पर इनरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी जनरेशन होगा, उसके वजह से भी एफिशिएंसी लॉस होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड टू द सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड है जिससे सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, तो डी है, ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइटेड भी है, विंड एनर्जी। आप एक तरह से ये समझ लो कि जितनी सारी एनर्जी होती हैं सब इनडायरेक्टली एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर, सोलर एनर्जी से ही आती है, इनकी अपने खुद की कुछ एनर्जी होती नहीं है, ये सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज यूज फॉर वाटर हीटिंग करते हो, डिस्टिलेशन के लिए भी करते हो, किस चीज़ को सुखाने के लिए भी करते हो, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।